नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड कारपेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गदर 2 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो अब तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना देखते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सनी देओल अपने फैंस के लिए गदर 2 मूवी लेकर आ रहे हैं। इनसे पहले वो अपने 2 मूवी लेकर आएंगे जो 2007 में अपने मूवी आई थी उनका ही दूसरा सीक्वल रहेगी। हमें अपने मूवी जो 2007 में आई थी उनमें हमें 2 जनरेशन देखने को मिली थी देओल फैमिली की, और अब अपने 2 में 3 जनरेशन देखने को मिलेगी अपने 2 में, जिसमें हमें सनी देओल के बेटे करण देओल भी देखने को मिलेंगे। और इस मूवी को जो गदर मूवी को डायरेक्शन दिया था अनिल शर्मा, वही अपने 2 मूवी को डायरेक्शन देने वाले हैं, और अपने मूवी को भी उन्होंने ही डायरेक्शन दिया था। 2001 में आई गदर मूवी का प्रोडक्शन किया था नितिन केनी ने, और ये मूवी 2001 में आई हिंदी लैंग्वेज की एक रोमांटिक फिल्म थी, और इसमें हमें रोंगटे खड़ी कर दे ऐसी लव स्टोरी देखने को मिली थी जो सरहद पार की थी और भारत के विभाजन के दौरान की स्टोरी थी। और इस मूवी में स्टार कास्ट के तौर पर हमें सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी देखने को मिले थे। और इस मूवी को उस वक्त 15 करोड़ के बजट पर बनाया था और ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ से ऊपर की कमाई करके ब्लॉकबस्टर रही थी। इस गदर एक प्रेम कथा मूवी को बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए पूरे 20 साल हो गए, और 20 साल के बाद मेकर्स उनका दूसरा सिक्वल बनाने जा रहे हैं गदर 2 मूवी, और इसमें हमें मॉडर्न जमाने की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। और इस मूवी को डायरेक्शन देने वाले हैं अनिल शर्मा, और इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे नितिन केनी। स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें हमें सनी देओल और अमीषा पटेल देखने को मिलेंगे, और इसमें एक दूसरी जोड़ी की भी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो सनी देओल के बेटे की रहेगी। वहीं इस गदर 2 मूवी को इस बार 100 करोड़ के बजट पर बनाया जाएगा, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ से ऊपर की कमाई कर सकती है ऐसा अंदाजा लगाया गया है। वहीं गदर 2 मूवी को इस बार म्यूजिक देने वाले हैं जाने माने सिंगर AR रहमान, और ये मूवी हमें 2022 के एंड तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2022 के शुरुआत में तो शायद अपने 2 मूवी आएगी। तो दोस्तों आप सनी देओल के अपने 2 और गदर 2 ये दोनों फिल्मों में से कौन से देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए, और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।